खबर इटावा से महिला विधायक और डीएम के सामने डीपीओ की दादागिरी सामने आई। बेटियों से बात करने की मर्यादा भूले डीपीओ साहब, महिला एमएलए और महिला डीएम के सामने बच्चियों को फटकार लगाई, जेल में बंद करने की धमकी दी। डीपीओ साहब फटकारते रहे और महिला एमएलए और महिला डीएम ये देखती रही। जेल में बंद करने की धमकी दी गई। नवरात्र में चंदा मांगने पहुंची थी दोनों बच्चियां। डीपीओ साहब क्या अपनी बेटियों से भी इसी तरह बोलते? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की रैली में बेटियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कैसे किया जा सकता है? नवरात्र में चंदा मांगने ये दोनों बच्चियां पहुंची थी, लेकिन ये महिलाओं के सम्मान में बेटियों को सशक्त बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ ये रैली निकाली जा रही थी। और इस दौरान जो है महिला एमएलए मौजूद रही, उनके सामने इन बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। आनंद टीवी आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है और आप साफ तौर पर वीडियो डीपीओ साहब को सुन सकते हैं किस तरह से इन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। यहां से बहुत दूर निकल जाओ ये कह रहे हैं और इसी के साथ इन बच्चियों को धमका रहे, कह रहे हैं जेल में बंद कर देंगे। किस तरह की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की रैली है। महिला एमएलए यहां पर मौजूद थी लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ऐसे में ऐसे डीपीओ पर कार्यवाही होनी चाहिए कि आखिरकार बेटियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हैं। राज्य में बीजेपी की सरकार होनी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अगर बेटियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है, वो भी उस रैली में जहां इन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जा रहे हैं, वहीं जब ये दो बच्चियां पहुंचती हैं, गरीब बच्चियां हैं, उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इन्हें यहां से फटकार के भगाया जा रहा है। डीपीओ साहब की आप व्यवहार देख सकते हैं, इनकी आप भाषा शैली को देखिए किस तरह से इन बच्चों को धमका रहे, जेल में बंद कर देंगे कहते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ मत रहो, यहाँ से दूर चली जाओ, तुम लोग यहाँ से दूर निकल जाओ, ये इस रैली में कहते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर अगर महिला एमएलए भी थी, ये बाइक रैली निकाली जा रही थी महिला सुरक्षा के नाम पर, महिला को सशक्त बनाने के नाम पर, तो किस तरह की ये रैली थी? बच्चियों के साथ अगर ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है, महिला विधायक और डीएम के सामने डीपीओ की दादागिरी सामने आई है। बेटियों के साथ बात करने की मर्यादा तक ये भूल गए डीपीओ साहब, ये भूल गए कि कैसे बच्चों के साथ बात किया जाता है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रोहित सिंह जुड़ गए हैं। रोहित सिंह, ये तस्वीरों में जिस तरह से दिखाई दे रहा है डीपीओ साहब का दुर्व्यवहार इन बच्चियों के साथ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ ही रैली निकाली जा रही है और बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। बिल्कुल, सरकार एक अच्छी मंशा से जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और इस पर जो है करोड़ों रुपए फूकती भी है, खर्च किए जाते हैं कि बेटियों को सुरक्षित किया जाए, बेटियों को पढ़ाया जाए और बेटियों को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन ये तस्वीर जो इटावा में देखने को मिली है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रैली निकालने के दौरान जो एक बाइक रैली निकाली जा रही थी, जिसमें इटावा से सदर विधायिका जो की दो महिला विधायक है और महिला जिलाधिकारी वो भी मौजूद थी, उनके सामने ये जो है इन मासूम बच्चियों के साथ जिला प्रोबेशन अधिकारी के द्वारा बदतमीजी की जाती है और उनको डरा धमका कर बंद कराने की धमकी देकर वहां से भगा दिया जाता है। हालांकि ये जो दो बेटियां आई थी ये वहां पर आर्थिक मदद मांगने आई थी, उनसे भीख मांगने आई थी, तो ये इससे साफ जाहिर होता है ये गरीब परिवार की बेटियां थी और उनको वहां पर मदद की दरकार थी। जी रोहित, साफ तौर पर ये तस्वीरें काफी विचलित करने वाली हैं कि वहां पर महिला एमएलए भी मौजूद हैं और बेटियों के सम्मान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ ये रैली निकाली जा रही है और उसी रैली में इस तरह का दुर्व्यवहार होता है, तो ऐसे जब डीपीओ की तस्वीरें सामने आती हैं तो काफी विचलित करती हैं। ये तमाम जो नारे ये फीके साबित होते हैं और ऐसे डीपीओ पर कार्यवाही भी होनी चाहिए। बिल्कुल, इस बात पे बिल्कुल ये सवाल उठता है कि ये सारी तस्वीरें जो है यहाँ पर महिला विधायक और जिलाधिकारी के सामने ये पूरी घटना घटित होती है, उसके बावजूद जो है डीपीओ पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इससे साफ साफ जाहिर होता है कि जिला प्रशासन के जो अधिकारी है जो वो है वो सरकार के द्वारा लागू की गई योजनाओं को केवल औपचारिकता के तौर पर दिखा देते हैं, तस्वीरें खिंचाकर वहां पर केवल कागजों में ये दिखा दिया जाता है कि हमारे द्वारा ये कार्यक्रम कराया गया, लेकिन जमीनी हकीकत जो कल देखने को मिली है वो वास्तविकता यही दिखाई पड़ती है कि गरीब बच्चियों के साथ बिल्कुल रोहित जी कार्यक्रम अच्छा रखा गया था महिलाओं को सम्मान देने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार लगे रहते हैं कि किस तरह से बेटियों को सशक्त बनाया जाए, उनकी शिक्षा में आगे उन्हें बढ़ाया जाए, लेकिन इस तरह के अधिकारी जो है उनके अधिकारी ये तमाम दावों पर जो है पलीता लगा देते हैं।
बिल्कुल यह पूरे कार्यक्रम जो है केवल तस्वीरों में और कागजों में पूरे कर दिए जाते हैं, और ग्राउंड पर जिन बच्चियों को वास्तव में इन योजनाओं के माध्यम से पढ़ाई और शिक्षा दीक्षा की जरूरत है, उनके साथ इसी तरीके का दुर्व्यवहार और अमानवीय व्यवहार किया जाता है, उसके बावजूद उन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ये बहुत बड़ा सवाल है। सरकार की सारी योजनाओं को पलीता लगाने में कोई भी कोर कसर अधिकारी नहीं छोड़ रहे। जी रोहित, तो क्या ऐसे बेटी बचाएंगे, ऐसे बेटी पढ़ाएंगे? एक गरीब परिवार की बच्ची आती है, वो यहाँ पर मदद की दरकरार से आती है, लेकिन उसके साथ ऐसा व्यवहार कर दिया जाता है, तो क्या ऐसे बेटी बचाएंगे, ऐसे बेटी पढ़ाएंगे? ये बिल्कुल ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि जो है सरकार बार बार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस पर जो है विपक्ष कई बार सरकार को इस मुद्दे पर घेर भी चुका है, लेकिन इस तरीके की जो तस्वीरें जो दिखाई पड़ती हैं वो पूरे दावों की पोल खोल देती हैं कि प्रशासनिक अधिकारी जो है वो कितने ज्यादा गंभीर हैं इन सारी योजनाओं को लेकर, बेटियों के भविष्य को लेकर और बच्चियों को पढ़ाई और उनकी योजनाओं को पूरा कराने को लेकर। इस पर साफ साफ ये तस्वीर पूरे दावों की पोल खोलती हुई नजर आती है। उसके बावजूद जो है यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी है वो मौन साध लेते हैं, चुप्पी साध लेते हैं, और किसी प्रकार की कार्रवाई जिला प्रोबेशन अधिकारी के ऊपर नहीं की जाती है। रोहित सिंह चौहान, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।